बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाएंगे आलू कीमा। यहाँ पर आलू कीमा बनाने के लिए मैंने ले लिया है कीमा, मटन कीमा है, आलू कट कर लिए हैं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट। ड्राई मसालों में मैंने ले लिया है नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, कसूरी मेथी। और खड़े मसालों में मैंने ले लिया है लाल खड़ी मिर्चें हैं, तेज पत्ता, लौंग, इलायची और दालचीनी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐसे चढ़ा दिया है पैन हमारा, हो रहा है गरम। पैन में हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल अच्छे से गरम हो गया है, हम आलू से कर फ्राई कर लेंगे। आलू फ्राई करना ऑप्शनल है, आप चाहे तो डायरेक्ट पका सकते हैं। यहाँ पर हम इसे अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे। आलू को मीडियम फ्लेम पर हमने 1 मिनट के करीब फ्राई कर लिया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। को हमने अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है, अब इसमें हम खड़े मसाले डाल देंगे, लाल खड़ी मिर्च, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, प्याज डाल के कर लेंगे फ्राई। प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट किए थे, अब इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टीस्पून भर के डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी अच्छे से कर लेंगे फ्राई। इसे भी हम थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे, सौते कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भून गया है, अब इसके अंदर हम डाल देंगे कीमा और 3-4 मिनट इसे अच्छे से भून लेंगे। कीमे को 3-4 मिनट हमने अच्छे से भून लिया है, अब इसके अंदर हम डाल देंगे ड्राई मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर और कसूरी मेथी। और साथ में टमाटर भी डाल देंगे, 1 मीडियम साइज़ का कट कर लिया है टमाटर। दही डाल देंगे, 2 टेबल स्पून दही ले लिया है, हम इन सबको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और इसे 1-2 मिनट और भून लेंगे। 1-2 मिनट इससे हमने अच्छे से भून लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करके इसे अब हम ढककर 3-4 मिनट पकने देंगे। अब इसे हम ढककर 3-4 मिनट पकने देते हैं मीडियम फ्लेम पर। आइए चेक कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम जो फ्राई करके रखे हुए हैं आलू उन्हें डाल देंगे, फ्राई किए हुए आलू। इसे भी अच्छे से मिक्स करके मसाले में थोड़ा सा पकने देंगे। आलू डालकर हमने इसे 1-2 मिनट इसी तरीके से अच्छे से भून लिया है, अब जितनी ज़रूरत है आप इसमें उतना पानी डाल लें। अब हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल लेंगे, आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से डाल लीजिए। आलू हमने फ्राई कर लिए थे तो ये जल्दी पक जाएगा, और हमारा कीमा मशीन का कूटा हुआ है तो ये भी जल्दी पक जाएगा। एक बार इसे अच्छे से चला लेंगे, और इस जगह पर आप इसके अंदर अगर नमक चेक करना है तो नमक चेक करके डाल लें। अब हम इसे ढककर अच्छे से पकने देंगे जब तक हमारे आलू अच्छे से पूरी तरीके से ना गल जाए, मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है। आइए एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार हम इसे अच्छे से चला लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे हरी कटी हुई मिर्चें, और इसे ढककर फिर पकने छोड़ देंगे। आइए चेक कर लेते हैं, 7-8 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए, अब इसे एक बार हम अच्छे से चला लेंगे, आप लोग को चेक कर लेंगे। आलू हमारे अच्छे से गल गए हैं, अब इसके ऊपर हम डाल देंगे हरा धनिया, गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसे ढककर हम ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद इसे हम डिश आउट कर लेंगे। आलू कीमा हमारा बन करके तैयार है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।